हेलो एवरीवन, आज हम इनकम्प्लीट रिएक्शन को कैसे कंप्लीट करेंगे इसकी बात करेंगे। तो हमारे पास पहली रिएक्शन है CH3CH2Br, Mg ईथर से रिएक्शन होनी है तो A बनेगा। फिर ये जो कंपाउंड A है इसकी रिएक्शन अल्कोहल से होनी है तो B बनेगा और ये कंपाउंड बनेगा। तो अगर आपको ये रिएक्शन सीखनी है तो हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कन्वर्जन रिएक्शन का, वो 2 घंटे का वीडियो है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हो तो ये रिएक्शन गारंटी के साथ आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए पहली रिएक्शन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा इथाइल ब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन जो है वो मैग्नीशियम ईथर में करानी है। तो यहाँ पे ईथर हमारा सॉल्वेंट है तो मैग्नीशियम की इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन होगी तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा जो कि एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। तो CH3CH2MgBr का फॉर्मेशन होगा। ये क्या है, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो हमारा ए कंपाउंड जो है वो क्या हो गया, वो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया। ये हमारा ए कंपाउंड है। अब इसकी रिएक्शन एल्कोहल से करानी है तो भैया करा दो एल्कोहल से, क्या दिक्कत है। C2H5OH। तो याद रखना जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो ऐसे कंपाउंड जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और एक्टिव हाइड्रोजन हम किसको मानते हैं, जब हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से कनेक्ट होता है तो ऐसे हाइड्रोजन को हम एक्टिव हाइड्रोजन मानते हैं। तो यहाँ पे एल्कोहल में ये वाला हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से कनेक्ट है तो ये हमारा एक्टिव हाइड्रोजन है। अब आपका चाहे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो या कोई अमाइन हो या हमारा एनिलीन हो या हमारा फिनॉल हो, क्योंकि इन सभी कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस कारण ये सारे के सारे कंपाउंड अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करें तो क्या होगा, इनका हाइड्रोजन इस एल्काइल पार्ट से कनेक्ट हो जाएगा तो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो भाई कर देते हैं, तो CH3 ये CH2 से हाइड्रोजन ये कनेक्ट हो जाएगा तो CH3 बन जाएगा, मतलब हमारा ये इथेन बन गया। और रिमेनिंग पार्ट जो है ये क्या है, C2H5O, ये हो गया MgBr। तो बस ये लिखा है MgOC2H5Br। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया है बी। तो बी पार्ट हमारा एल्केन है जबकि ए पार्ट हमारा क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोलते हैं इसको। फिर इसके बाद हमारी सेकेंड रिएक्शन है एसिटिक एसिड की रिएक्शन, NaOH से करानी है तो हमारा ए कंपाउंड बनेगा। अब ये जो कंपाउंड बना हुआ है इसकी रिएक्शन NaOH कैल्शियम ऑक्साइड से करानी है, ये हमारा सोडा लाइम कहलाता है तो हमारा बी कंपाउंड बनेगा। फिर हमारा ये जो बी कंपाउंड बना है इसकी रिएक्शन ब्रोमीन HNO से करानी है तो ये हमारा सी कंपाउंड बनेगा। HNO यहाँ पे लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो जरा, ये तो हमारा एसिटिक एसिड है और हमको पता है कि NaOH हमारा बेस होता है तो एसिड बेस से क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, सिंपल रिएक्शन है तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। तो CH3COONa बनेगा, H2O जो है वो निकल जाएगा तो H2O भैया निकाल दो यहाँ पे। तो हमारा ए कंपाउंड तो हो गया सोडियम एसीटेट। फिर ये जो ए कंपाउंड है इसकी रिएक्शन हमको NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड से करानी है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, ये पूरा हमारा कहलाता है सोडा लाइन, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में होता क्या है कि ये पार्ट हमारा और ये पार्ट पूरा निकल जाता है, ये क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है Na2CO3। और रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, CH3 से ये वाला हाइड्रोजन जो है वो कनेक्ट हो जाएगा तो ये बनेगा CH4, मीथेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये वाला हाइड्रोजन जो है किससे कनेक्ट कराना है,
इस CH3 से कनेक्ट कराना है, तो मीथेन बन गया हमारा। तो बी पार्ट तो हो गया हमारा मीथेन। और ये रिएक्शन हमारी कहलाती है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब ये जो मीथेन बना हुआ है इसकी रिएक्शन ब्रोमीन और सनलाइट में करानी है, तो ये तो हमारा ब्रोमीन हो गया और ये सनलाइट हो गई, तो ये हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो CH3Br का फॉर्मेशन होगा और HBr जो है वो बन जाएगा, तो मिथाइल ब्रोमाइड यहाँ पे हमारा बन गया, तो मिथाइल ब्रोमाइड हमारा कंपाउंड हुआ C। तो ये C कंपाउंड हो गया हमारा। इसके बाद हमारे थर्ड रिएक्शन है एसिथिन की रिएक्शन H2PdBSO4 से करानी है, तो A कंपाउंड बनेगा। फिर A कंपाउंड की रिएक्शन ब्रोमीन से करानी है, तो कंपाउंड बनेगा B। फिर बी कंपाउंड की रिएक्शन एल्कोहलिक क्यूएच से करानी है, तो कंपाउंड बनेगा सी। तो हमको पता लगाना है कि हमारा ए कंपाउंड क्या है, बी कंपाउंड क्या है और सी कंपाउंड कौन सा है। तो देखो जरा, तो ये जो हमारा एसिटिलीन है CH CCH, इस पे हमें हाइड्रोजन का एडिशन कराना है। कैटलिस्ट हमारा पैलेडियम बेरियम सल्फेट है, इसको हम लिंडलर कैटलिस्ट बोलते हैं। लिंडलर कैटलिस्ट में हाइड्रोजन का एडिशन जो है वो पार्शियल होता है, तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा एथीन बन जाएगा और यही हमारा कंपाउंड ए है। तो लिंडलर कैटलिस्ट जो है वो इनकम्प्लीट हाइड्रोजनेशन करता है, जबकि निकिल प्लेटिनम पैलेडियम से अगर हाइड्रोजनेशन होता तो वो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होता और एसिटिलीन से हमारा इथेन का फॉर्मेशन होता। अब ए कंपाउंड जो है इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से करानी है, तो एथिन तो हमारा एडिशन रिएक्शन शो करेगा, तो ये बनेगा हमारा CH2Br, तो ये होगा हमारा 1,2-dibromoethane, तो यही हमारा कंपाउंड है बी। और इस बी कंपाउंड की रिएक्शन जो है वो हमें करानी है एल्कोहलिक क्यूएच से, हीट करना है। तो एल्कोहलिक क्यूएच क्या होता है, पोटेशियम जो है इस ब्रोमीन को ले जाएगा, तो OH जो है दूसरे वाले कार्बन के हाइड्रोजन को ले जाएगा। पोटेशियम इस ब्रोमीन को ले जाएगा, तो OH जो है इस वाले हाइड्रोजन को ले जाएगा। तो क्यूएच हमको कितना चाहिए, 2 मॉलिक्यूल चाहिए। तो ये तो बनेगा आपका CH CCH+। KPR बनेगा आपका कितना, 2, और वाटर मॉलिक्यूल भी बनेंगे 2। तो हमारा कंपाउंड C जो है वो क्या हो गया, एसिटिलीन। इसके बाद हमारी फोर्थ रिएक्शन है CH3Br, इसकी रिएक्शन Na ईथर से करानी है, तो कंपाउंड बनेगा A। फिर ए कंपाउंड की रिएक्शन ब्रोमीन HNU से करानी है, तो कंपाउंड बनेगा B। इस B कंपाउंड की रिएक्शन Na ईथर से करानी है, तो कंपाउंड बनेगा C। तो हमें बताना है कि हमारा कंपाउंड A कौन सा है, कंपाउंड B कौन सा है, कंपाउंड C कौन सा है। तो हमें A B C जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं। तो देखो जरा, CH3Br ये हमारा मिथाइल ब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन सोडियम ईथर से करानी है। तो जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम और ईथर सॉल्वेंट में होती है, तो इसको हम बोलते हैं वर्ट्ज रिएक्शन। ये हमारी वर्ट्ज रिएक्शन कहलाती है। तो क्या होगा, इसके 2 मॉलिक्यूल जो है कंबाइन होके सोडियम से क्या बनाएंगे, CH3 CH3, एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसके हमें कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 2 मॉलिक्यूल चाहिए। और क्या बन जाएगा, और तो बनेगा NaBr, ये 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो मतलब हमारा कंपाउंड ए हो गया इथेन। तो जब इसकी रिएक्शन जो है वो हम ब्रोमीन से कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हमारा इथाइल ब्रोमाइड बनता है CH3 CH2 Br, ये ब्रोमिनेशन रिएक्शन कहलाती है। और ये कंपाउंड होगा हमारा बी। फिर इसकी रिएक्शन हमें सोडियम ईथर से करानी है,
ईथर क्या है हमारा, ये सॉल्वेंट है, तो इस रिएक्शन को भी हम क्या बोलते हैं, वर्ज रिएक्शन बोलते हैं। तो इसके दो मोल जो है वो सोडियम से रिएक्ट करेंगे, तो इसके सोडियम के भी दो मोल चाहिए हमें, तो ये बनेगा CH3CH2CH2CH3। तो ब्यूटेन बन जाएगा और क्या बनेगा, और हमारा NaBr बन जाएगा दो मोल। तो ये कंपाउंड हुआ हमारा C। तो यहां से ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें इथेनॉल की रिएक्शन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करानी है। इसको हीट करना है 443 केल्विन में, तो कंपाउंड बनेगा A। फिर इस कंपाउंड की रिएक्शन वाटर से करानी है H पॉजिटिव मतलब एसिडिक मीडियम में, तो कंपाउंड बनेगा B। फिर कंपाउंड B की रिएक्शन PCl5 से करानी है, तो कंपाउंड बनेगा C। तो हमें यहाँ पे बताना है कि हमारा कंपाउंड A क्या है, B क्या है और C क्या है। तो हमें कंपाउंड A, B, C जो है वो बताने हैं। तो देखो जरा, CH3CH2OH ये इथेनॉल है। जब हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में हीट करते हैं, 443 केल्विन का मतलब 170 डिग्री सेल्सियस, तो यहां से वाटर जो है वो निकल जाता है। तो OH जो है इस कार्बन से जाएगा, तो हाइड्रोजन जो है इस कार्बन से जाएगा, तो ये बनेगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा कंपाउंड A तो हो गया एथीन। फिर इसका हमें हाइड्रोलिसिस कराना है एसिडिक मीडियम में, कोई भी एसिड प्रेजेंट होना चाहिए, डाइल्यूट HCl हो सकता है, डाइल्यूट H2SO4 हो सकता है। तो क्या होता है, वाटर का एडिशन हो जाता है, H इधर OH इधर, तो ये बन जाएगा हमारा CH3CH2OH, मतलब एल्कोहल हमारा फिर से बन गया, और ये कंपाउंड हो गया हमारा B। फिर इस कंपाउंड की रिएक्शन जो है वो हमें PCl5 से करानी है। अब देखो PCl5 से तो रिएक्शन हो सकता आपसे ना आए, तो हम आपको बता देते हैं जो हमारा PCl5 होता है। अब चूंकि एल्कोहल है वाटर तो होगा, तो ये वाटर से कंबाइन होता है, से बनता है POCl3 और बनता है 2HCl। तो अब HCl की तो एल्कोहल से रिएक्शन हमको आती है, एसिड का एच जो है वो OH से कंबाइन होगा, तो वाटर निकलेगा और Cl जो है इधर कनेक्ट हो जाएगा। तो देखो जरा, CH3CH2Cl जो है वो बन गया, और क्या होगा, POCl3 बनेगा, एक HCl का जो है वो मॉलिक्यूल निकलेगा, तो ये कंपाउंड होगा हमारा C। क्योंकि हमने बोला था कि यहां पे तो वाटर निकलेगा, तो ये वाटर और ये वाटर जो हमने यूज किया है और ये निकला हुआ वाटर है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए यहां पे कहीं भी वाटर का यूज नहीं दिखाया गया। तो हमारा कंपाउंड ये बन गया, 2HCl में से 1HCl यूज हुआ, तो 1HCl ये है और POCl3 ये है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसको लाइक कर, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।